चाहते हैं क्या, कभी मजबूरी है कानून बनाने की, तो तीन बच्चे का कानून। अरे चाचा, तीन का है, 30 कर लो, सरकार तो पाल ही लेगी। तो इस चोमू के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन इसके पहले आप सबको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आवाज उसमें थोड़ा कम है। अरे सुन लिया या नहीं सुना या नहीं समझ में आया अच्छे तरीके से, तो मैं समझाता हूँ। ये चूतिया है समाजवादी पार्टी का नेता विजय सिंह। ये बोल रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में मियां भाई की सरकार थी, यानी अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये सरकारी कर्मचारी पुलिस वालों को और जो राजनीतिक विरोधी दल थे उसको ये पैसा पिलाता था। योगी की सरकार जब से आई है तब से ये काम ये नहीं कर पा रहा है, जब इसकी सरकार दोबारा आएगी तब ये यही काम दोबारा करेगा। धमकी दे रहा है सीधे सीधे। आप बोलो और कितने कितने अच्छे नेता चाहिए। आजम खान था जो औरतों के चड्डियों का साइज बता देता था और ये डायरेक्ट पैसा फैलवा देता था। और कितने अच्छे नेता चाहिए अखिलेश मियां को। और एक मिनट, अखिलेश मियां कम थोड़ी ना है, वो भी तो बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है, सरेआम बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जैसे किया है, हमारी सरकार आई तो हम भी वैसे करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई लोग समझदार लो, तैयार हो जाओ अखिलेश की सरकार बनाने के लिए। ये चाहते हैं क्या, कभी मजबूरी है कानून बनाने की, तो तीन बच्चे का कानून। ये है समाजवादी पार्टी ने, ये नहीं, ये भी है समाजवादी पार्टी का नेता एसटी हसन। इसके कहने का मतलब जो दो बच्चों वाला कानून आने वाला है वो इसको पसंद नहीं है, कम से कम तीन बच्चे। मतलब ये लोग खातूनों को मोटरसाइकिल का टंकी समझ रखे हैं कि भाई 2 लीटर नहीं, चल 1 लीटर और भरवा लेते हैं। वैसे 1 लीटर सबकी औकात नहीं भरवाने की, इसलिए दो बच्चे बहुत अच्छे। और चाचा की जो विकिपीडिया बता रही है वो तो बता रही है कि ये 4 बच्चे तो पहले ही कर चुके हैं। मतलब कुछ और अलग से प्लानिंग थी क्या, जो योगी जी ने उस योगी जी उस पर पानी फेरने वाले हैं, जो इतना गुस्सा। मुल्क ऐसे काम हालात पैदा करे, ऐसे काम करे कि जिससे कि जनता मुतमईन हो, काम भी करे, वो अपने लिए खुद रोजगार पैदा करे। अच्छा चाचा, जनता खुद ही रोजगार पैदा कर लेगी। अरे बच्चा पैदा करना ही थोड़ी ना रोजगार होता है। तुम्हारी विकिपीडिया बता रही है, तुमने तो एक ही किया है। वैसे ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है, इसका नाम सकिल्ला सफिकुल्ला सर फिर कुल जो भी इसका नाम है। रीजन यही है कि इतने दिनों शादी ब्याह बंद कर दो, 20 साल तक कोई शादी नहीं कर सकेगा। बहुत ही बढ़िया चाचा, बहुत ही बढ़िया। वो भोसड़ी वाले चाचा, बहुत ही बढ़िया। अगर तुम्हारे कहने का मतलब कि जो शादी करता है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए शादी करता है, शादी के लिए 20 साल के लिए रोक लगा दो, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। मतलब अभी जो 20 के हैं वो 40 के हो जाएंगे 20 साल बाद, जब उनको परमिट मिलेगी ऐसा करने की, शादी करने की, और 40 वाले 60 के हो जाएंगे। और तुम जैसे लोग कानून बनवाने वाले जो राय दे रहे हैं, तुम तो कट लोगे ऊपर। ये बकलोली करने से अच्छा है शादी करो जाओ, लेकिन सिर्फ दो ही करना ध्यान से, क्योंकि अगर 20-25 हो गए तो फिर वही सुअर वाला हाल होगा, कोई कोई इधर कोई उधर, कोई आंदोलन में जाके बिरयानी खाएगा, कोई सलमान की गाड़ी के नीचे आएगा, और पता नहीं मतलब कुछ लोग फट जाएंगे, ऐसे ही कुछ होगा, विस्फोट होगा। उसके बाद रोजगार के नाम पर सिर्फ सरकार बदलती रहेगी, रोजगार नहीं मिलेगा किसी की भी सरकार हो, कोई भी आ जाए। अरे जब जनसंख्या ही कंट्रोल में नहीं तो फिर राहुल बाबा या योगी बाबा क्या कर सकता, कोई क्या करेगा। ये बिल चुनाव के संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है। वाह चाचा वाह, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया आइडिया यही है कि चुनाव 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 जोड़ दो, किसी भी मुद्दे में चुनाव जोड़ दो, काम हो गया। अभी यूपी का चुनाव है इसलिए ऐसा सरकार कर रही, इसके पहले करती तो पता चलता पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तब नहीं करना चाहिए। अरे पूरा देश में इतना चुनाव ही होता है कि कोई अच्छा काम अगर होने वाला हो मतलब वो चुनाव के चलते रोक दिया जाए, क्योंकि चुनाव पर असर पड़ेगा, कुल मिला के असर उसर कुछ नहीं पड़ेगा। जो समझते हैं वो चुनाव में समझदार लोगों को चुनेंगे, जिनको 2 वाला समझ में आ रहा है वो 2 वालों को चुन लेंगे, जिनको 20 वाला पसंद आ रहा है वो 20 वालों को चुन लेंगे, और जिनको 3 वाला पसंद आ रहा है वो 3 वालों को चुन लेंगे। अरे इसमें चुनाव का क्या लफड़ा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये जो ड्राफ्ट आया है टू चाइल्ड पॉलिसी वाला, इसके बारे में आप सबका क्या कहना। वैसे सरकार ने तो सबसे राय मांगी है, लेकिन आप सब हमको भी कमेंट में बता सकते हैं, हम भी आपकी राय जानना चाहते हैं। कहीं एक आध
20 वाले छुप के बैठे हैं वो भी कमेंट कर दे। अरे नहीं, सुंदर सा प्यारा सा रिप्लाई हमारे तरफ से जरूर मिलेगा, तो इसलिए बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।